जैसे हम रिजल्ट निकालेंगे तो मान लीजिए 5 दिन रिजल्ट निकालने में लगता है, डीवी करेंगे तो डीवी के लिए हम 15 दिन टाइम देंगे कैंडिडेट को, बताएंगे तो 15, 5, 20 दिन हो गए, 10 दिन डीवी चलेगा, 2 महीना मानिए। आप छोटा बोलने कहीं भी जैसे लगे कि नहीं सुस्त पड़ा हुआ है तो कहिए, यहाँ तो लगातार से एग्जाम चल रहा है लगातार। सर एक का सेकंड डीवी या लेवल 5 का रिजल्ट? पहले लेवल 6 का सेकंड डीवी? नहीं सेकंड डीवी नहीं, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। पहले देखिए लेवल 6 का जो पहला प्रेफरेंस जो दिए हुए लड़का उनका नहीं, वो बात नहीं पूछ रहा है, लेवल 6 में जो मेडिकल फेल हो गया जो सीट खाली रहा, सुनने दो, पहले सुन लीजिएगा अभी बाहर से बोल रहे हैं, कहां कहां तक सोच लिया हम, सब दिमाग में आ गया, पहले सुनिएगा तब ना। आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन है वो सब हम दिमाग में आ गया। जी जी वो तो है। लेवल 6 का जो रिजल्ट निकालेंगे तो जो लड़के लेवल 6 में आए हैं तो जरूरी नहीं है कि पहला प्रेफरेंस उनका लेवल 6 का, वो मान लीजिए जूनियर कलर का दिए हुए हैं, नहीं तो अगर तो अंडरटेकिंग ले लिया जा रहा है, सुनिएगा ना भाई, सुनिए ना पहले, हो सुन लीजिए पहले, बोलने दीजिए फिर क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला लेवल 6 के लिए सबसे ऊंचा पोस्ट है, यानी कि पैसा सबसे ज्यादा मिलेगा मोटा मोटी, लेकिन जो लड़का प्रेफरेंस दिया है वो सबसे कम पैसा वाला फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। अच्छा जी, नहीं तो ठीक है जी। तो तरीके से उसका हक बनता है, सबसे कम पैसा वाला उसको पहले नौकरी दिया जाए, लेकिन सबसे कम पैसा वाला नौकरी देने के लिए हमको सबसे नीचे वाला पहले रिजल्ट उसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे वाला रिजल्ट के लिए एक तो साइको है, उसका टाइपिंग है, टाइपिंग के बाद मेडिकल है, कई लेवल है, तो सबसे नीचे वाला रिजल्ट पहले नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले ऊपर वाला रिजल्ट निकालेंगे। उसमें जिनका पहला प्रेफरेंस है ASM और कॉमर्शियल अप्रेंटिस, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस लेवल 6 का दिए, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल भी पास हो जाते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस भी है, तो उनको नौकरी दे देंगे। जिनका सेकंड प्रेफरेंस रहेगा उनसे हम बोलेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस में आपका CA है, ASM है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपका जूनियर क्लर्क, क्या आप जाना चाहेंगे? तो लेकिन नहीं, हमको फर्स्ट प्रेफरेंस से मतलब नहीं है, हमको बड़ा वाला पोस्ट इन अंडरटेकिंग उसे ले लिया। अच्छा ठीक, तो अब कहेंगे नहीं हमको जूनियर क्लर्क हमको चाहिए, तो अभी तो हम दे नहीं सकते हैं जूनियर कल, वहाँ तक उनको पहुँचना पड़ेगा डीवी में, तो वैसे कैंडिडेट का रिजल्ट रुक जाए। लेकिन उस पर भी अभी चर्चा चल रही है कि क्या हम उनको जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिए हैं उसके अलावा, जैसे मान लीजिए कि लेवल 6 में ही आते हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस जूनियर कलर के दिए हैं, हम प्रेफरेंस आपसे ले ही नहीं, चूँकि आप पहले ही ऑप्ट कर चुके हैं जूनियर कलर, तो हम जूनियर कलर की आपको दे दें। प्रक्रिया थोड़ा समझिएगा ना, जैसे ऐसा तो है नहीं कि हम वैसे किए रिजल्ट पे, नहीं सब चीज में टाइम लगेगा। सर क्यों ऐसा, मतलब टाइपिंग में इतना टाइम क्यों लग रहा है, बताया जा रहा है कि मैनुअली चेक हो रहा है, मैनुअली चेक करने का मतलब सब सॉफ्टवेयर तो है इसका, फिर भी कब तक प्रैक्टिस करते हो उसका सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर नहीं सर, हम लोग सोनी पे मारते थे सर सॉफ्टवेयर पे, प्रैक्टिस करते हैं ना, मोटा मोटी एग्जांपल समझिए, दिस इज पटना, इज गलत लिखे तो सॉफ्टवेयर में बतला देता है कि इज गलत है, दिस इज दैट पटना, बीच में दैट जुड़ गया तो क्या बतलाएगा कि जुड़ गया है, टोटल काउंट करेगा, बता देता है गलत नहीं आता है, बताता है सर, सॉफ्टवेयर बता देता है सर, सॉफ्टवेयर बता देता है, कौन सा वर्ड गलत काउंट कर रहा है वो भी बताता है, वो भी सब बता देता है, कब तक फिर भी बात कर, सॉफ्टवेयर पे हम वर्क कर रहे हैं, आप जो बतला रहे हैं उसमें कई तरह का कॉम्प्लिकेशन आता है, बीच में मान लीजिए 5 लाइन दूसरा को जोड़ दिया तो क्या उसको हम स्ट्रोक काउंट करें, सॉफ्टवेयर समझेगा, आरआरबी तो समझ जाएगा, 5 लाइन अलग से, अरे आरआरबी के गाइडलाइन के अनुसार सॉफ्टवेयर में है, समझ गए, समझे सर, समझे सर, एप्रोक्स का कितने लगेगा उसका, बहुत ही रेयर फॉल्टी, हां सर वो सॉफ्टवेयर भी मेरा ही बनाया हुआ, रेल का ही बनाया हुआ, SSC जो यूज कर रही है आप, तो थोड़ा शांति रखिए, शांति रखिए। एप्रोक्स कितना लगेगा सर, टाइम सर, टाइम सर कितना, एप्रोक्स लगा सर, कम से कम सर एक मिनट, प्लीज सर, सर एक मिनट सर, कम से कम सर रिस्पांस शीट जारी कर दिया जाए, लड़का देख के मिला तो लेगा कि क्या गलत क्या सही है, रिजल्ट आप दीजिएगा थोड़ा समय से ही, रिस्पांस शीट दे दीजिए, बोर्ड वाइज तो ये बोर्ड वाइज लेवल 6 देखा, अलग अलग नहीं होगा, जैसे जिसका डीवी पहले हो गया है लेवल 5 जारी करते हैं, जैसे चेन्नई का खत्म हो जाएगा 30 तक या सेंट्रल का, जितना भी डिक्लेरेशन दिए हैं सारे सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, तो सर कास्ट सर्टिफिकेट तो यहाँ बिहार का बनता है, सेंट्रल का तो बनता नहीं, कौन चीज़ का कास्ट सर्टिफिकेट, किस चीज़ के लिए EWS, तो वो है ना,
इसमें बिहार में तो बिहार का फॉर्मेट है, यहाँ पर फॉर्मेट चलेगा चलेगा नहीं अभी तक हुआ क्या सर? एक क्वेश्चन सर, एक सर मान के लेवल पांच में किसी का जिसका मेडिकल नहीं, और अगर वो लेवल पांच का मेडिकल फेल, ऐसा समझाना संभव नहीं सर। आप सर डायबिटीज जल्दी पुष्ट कर टेंटेटिव डेट बोल रहा हूं सर। एक मिनट सर, जैसे लेवल सीट जारी करवा दिया है उतनी ही को फर्स्ट बार में डिग्री बुलाया गया है, जैसे लेकिन अदर डिपार्टमेंट क्या करती है कि सभी लोगों को बुला लेते, कुछ एक्स्ट्रा बुलाती है सीट से ज्यादा, और जो जैसे उसमें कुछ रिजेक्ट होते हैं तो उसको नीचे वाला को फिर ले लिया जाता है। करते थे लेकिन वैसा करने से ट्रेन जलवाना पड़ा, नहीं नहीं तो उसकी वजह से ट्रेन नहीं जाएगी। वैसे लड़के भी शामिल थे जो वेटिंग लिस्ट में 50% में रह गए थे, अभी भी दौड़ते हैं। अब शाम तक रखिए तो 10 लड़के आएंगे कि हम वेटिंग लिस्ट में थे, मैं नौकरी क्यों नहीं दे। सुन लीजिए, 100 लड़का के अगेंस्ट हम 150 लड़का को बुलाए, 100 लड़का को नौकरी दे दी, अब 50 लड़का दौड़ रहे हैं कि हमको चाहिए ही चाहिए नौकरी, नहीं तो रेल जलाएंगे। अगर नीचे वाला लड़का, जो नीचे वाला लड़का को फिर आप लेवल 5 में या कहीं और उसको मतलब शिफ्ट कीजिएगा, और फिर दोबारा भी डीबी बुलाइएगा ना, मतलब दोबारा डीबी तो जारी करना पड़ेगा। अगर कुछ लड़का अगर लेवल 6 में अगर फर्स्ट में अगर डीबी में कुछ रिजेक्ट होता है या एबसेंट होता है तब नीचे वाले को बुलाइएगा। तो जो आप दोबारा बुलाइएगा, जो पहली बार में कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, क्यों नहीं बुला लेंगे, ताकि टाइम बचत होगी ना, टाइम बचत हो सकता है कि हमको जरूरत ही नहीं पड़े, जितना बुला रहे हैं सब लड़का मेडिकल पास हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। ऐसा नहीं हो सकता, यही सोच के 50% ज्यादा बुलाए थे, यही सोच के 50% ज्यादा बुलाते थे, 50% ज्यादा बुलाने पे वो अपना हक समझ लिए, 20% ही बुलाए। तो वहाँ केस चल रहा है, एक लड़का भी फिर 20% और 10% मत बोलिए, एक लड़का को भी ज्यादा बुलाएंगे तो फिर वो दौड़ेगा ना। वही बात कर रहे हो, जब ज्यादा बुलाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि सबका सब लड़का आप 1:5 में बुला लिए, 1:1.5 में, तो आप डीवी कराइए, मेडिकल कराइए, मेरिट में छोड़ दीजिए, तो मेरिट में छटा जाएगा तो आपके पास क्यों आएगा सर? रियली क्यों आएगा सर? मेरिट में वही लड़के होता है ना, अच्छा नौकरी दीजिए, धरना बैठा है वहाँ पे, जीडी वाला धरना बैठता था यार, है ठीक है ठीक है, बैठता था धरना, एसएससी जीडी का धरना भी देखे थे दिल्ली में, हम वेटिंग में हैं, तो वो मेरा परफॉर्मा हो कहीं और का परफॉर्मा हो, लेकिन वो रेजोल्यूशन जो सर्कुलर एक इशू है सर, अगर जैसे 1:1 में बुला रहे तो गारंटी तो है नहीं कि दो डीबी में भी पूरा हो जाएगा आपका, हो सकता है 3 डीबी हो, 4 डीबी आगे, 10 डीबी कर सकते हैं, तो इसके बाद लोअर लेवल का रिजल्ट कब दीजिएगा 10 डीबी के बाद? छूट गया है और वो लेवल 5 को आप बुला लिए उसको, अगर बाद में अगर मेरिट लो करते हैं और 1.1 वाला उसमें आ जाता है तो फिर उसका क्या कीजिएगा, उसको लेवल 5 दीजिएगा? ऐसे जब हम 100 लड़का को बुला लें, 101 लड़का को बुलाना है, तो 101 लड़का को हम नीचे से बुलाएंगे, तो नीचे से बुलाने से पहले हम इसको बुलाएंगे,
101वां लड़का ऑटोमेटिकली ऊपर से अगर 99वां लड़का डिलीट हो गया तो 101वां लड़का ऊपर आ जाएगा, लेकिन फिर उसका लेवल 5 भी बोलने सर साथ में चलेगा, तो लेवल 5 में अगर उसका हो जाए लेवल 5 में क्वालीफाई किए और लेवल 6 में भी 101वां से ऊपर में डिलीट है पहले उसका लेवल 6 में जाएगा, तो मतलब कि फाइनल जो होगा कि लेवल डीवी के बाद सर ये ना सुनिए ना पूछिए बीएससी की तरह तर्ज पे का ना कैलेंडर दे देती है क्वालीफाई सर बोला जाएगा कि आप एएसएम में बढ़िया सभी लेवल का ज्वाइनिंग एक साथ कराइएगा कि लेवल वाइज सभी लेवल का ज्वाइनिंग एक साथ करवाइएगा कि लेवल वाइज सर लेवल वाइज और सर 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 मेडिकल के बाद जैसे जो 1:1 में बुलाया मेडिकल हो गया और वो फिट हो गया तो उसको सर पैनल देने में कितना टाइम लगेगा मेडिकल के बाद लेकिन उस जगह उसके 4 लिया जाएगा क्योंकि 1 लेवल के लिए फिर जब लेवल 5 और 3 चले